एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्स रे ट्यूब इज 0.76 एंगस्ट्रॉम. द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोड मटीरियल ऑफ द ट्यूब इज ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 40, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन 4 60. सो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि एक्सरेज में जो के अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.76 एंगस्ट्रॉम. सो वी हैव टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोड मटेरियल ऑफ द ट्यूब कि उसमें कौन सा मटेरियल हम लोगों ने यूज किया हुआ है. सो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जब भी हम के अल्फा के वेवलेंथ की बात करेंगे, वी हैव द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर माइनस वन होल स्क्वायर देन विद इन ब्रैकेट वन अपॉन द फाइनल क्वांटम नंबर स्क्वायर. इट मीन्स वन ग्राउंड स्टेट लेते हैं माइनस द इनिशियल की ट्रांजिशन हुआ सेकेंड ऑर्बिट से. सो यहाँ पर हमारे पास में फाइनल क्वांटम नंबर है 1 एंड द इनिशियल क्वांटम नंबर इज 2. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. अब जब इसको हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं, बिकॉज हमें लैम्डा नॉट गिवन है क्वेश्चन में 0.76 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज 0.76 एंगस्ट्रॉम. इट मींस मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. आर इज रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर और इन साइड द ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4. अब जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 बाय 4. सो वी कंटिन्यू द स्टेप. सो दिस इज 1 अपॉन 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10. Then this is 3 by 4, so it is multiplied by 4 by 3. Then it is this complete Rydberg's constant is cross multiplied in denominator like this. And this is equal to z minus 1 whole square. ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे नंबर को, so the answer is approximately 1600. तो ये आंसर आया 1600. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दिस इज जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 40. सो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो वी गेट जेड इक्वल टू 41. और इसको जब हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे, सो द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर बी दैट इज 40. दिस इज द एटॉमिक नंबर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.